नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल चोपड़ा डेरी फार्म में आज सभी का वेलकम है गायें तो देखिए आप कि हम हर वीडियो में दिखाते हैं बहुत सारे YouTube चैनल्स बने हुए हैं जिनमें आप डेली गाय की वीडियो देखते रहते हैं पर बेसिकली ये फार्मर्स जो मेरे पास अभी आए हुए हैं ये पहली बार नहीं आए ये पहले भी पंजाब आ चुके हैं महाराष्ट्र से आए हैं काफ़ी अनुभवी हैं सबके पास अपनी अपनी गायें और सभी ने अलग अलग गायें परचेज करी हैं तकरीबन तीन दिन से ये हमारे साथी हैं परचेज़ कर रहे हैं गायें और जो इनकी रिक्वायरमेंट थी जैसी भी इनको गायें चाहिए थी हमने तकरीबन अट्ठारह गायें परचेज़ करके दी हैं तो छः गायें तो इन्होंने हमारे यहाँ फार्म से परचेज़ कर ली सात गायें और ग्यारह गायें इनको बाहर से लेके दिए तो मेन कुछ बातों के ऊपर टॉपिक्स हैं हमारे जो आज की वीडियो जिसमें कवर कर रहे हैं पहली बात तो जो सबसे बड़ी बात है कि लोग वीडियो देख के दूसरे किसी भी जगह जाते हैं या कहीं भी जाएं वो जरूरी नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ आने के लिए बोल रहा हूँ कि कोई फार्मर यहाँ आए जिस फार्मर ने कहीं भी ऑल ओवर इंडिया भी जाना है तो पहली बात तो आपको ये है सिर्फ आप रेट कंपेयर करके कहीं भी मत जाइए क्योंकि आपको कोई आदमी अगर मैं वीडियो बना के डाल दूँ कि चालीस हज़ार में यहाँ गाय मिल रही है तो वो कितना उचित होगा वो आप भी समझ सकते हैं क्योंकि मार्केट रेट जो है मार्केट के हिसाब से रेट लगना है गाय का और जो आप लोगों ने चीज खरीदनी है उस पर डिपेंड करता है तो इस बारे में हमारे साथ जो महाराष्ट्र के फार्मर्स हैं उनकी थोड़ी राय लेते हैं और ये वीडियो एंड तक पूरी ज़रूर देखना क्योंकि जो फार्मर्स यहाँ आने वाले एक दो महीने में फार्मर्स पंजाब में विज़िट करने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी को मिस गाइड ना होना पड़े और किसी को कोई भी परेशानी ना हो अगर कोई यहाँ पर परचेज़ करने आ रहा है क्योंकि एक आदमी अगर गलत होता है उस उसके नाम पे पूरे पंजाब का नाम ख़राब होता है तो ये चीज़ें हम बताना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से तो आइए बात करते हैं हमारे साथ जो फार्मर अवेलेबल है नमस्कार जी नमस्कार तो आप इस चीज़ के बारे में कैसे देखते हैं कि कोई फार्मर पंजाब में आ रहा है तो वो पहले सर्च करता है यूट्यूब में वीडियोस अभी मैंने दो तीन दिन पहले वीडियोस देखा यूट्यूब में आप लोगों ने भी देखा होगा कि फार्मर लिख के यही चीज़ डालते हैं कि हमारे यहाँ रेट सबसे कम है ये मंडी में सबसे रेट कम में मिलेगी गाय और तीसरी बात नीचे लिख देते हैं कि आँग आँग हम दूसरों से बीस तीस हम सस्ती दिलाएंगे पहली बात तो ये मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप एक व्यूअर हो

करीबन चार साल से हम लोग वीडियो देखते थे उनका पता करते थे उनसे पूछते थे और जब भी हम लोगों ने चोपड़ा फार्म डेयरी सा कोई वीडियो देखा था वो किसी ने मालेगाह वाले का डाला था उनका इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने हमने उन चोपड़ा डेयरी से मालेगाँव वाले का नंबर ले लिया और नंबर लेके चोपड़ा उनसे बात की कि भाई आपको ये बता रहे वो सच है क्या क्या आपने जो वीडियो में बोला है वो भी सच है क्या कि जब आप वहाँ वीडियो बना रहे थे तब आपने झूठ कुछ बोला क्या मतलब लाल अस्सी हजार रूपए में, में जो गाय ली है वो अस्सी में ही लिए सोचा कि ठीक है उन, उन और जो वीडियो में बोला है। वो थोड़ा कम ज्यादा लग रहा था अभी इसीलिए हम अभी आपके साथ जो बंदा था आपके दूसरी जगह मिस गाइड हो गया उसने क्या देखा किसी दूसरे बंदे की तो हम जब हम जब लगा रहे थे तो एयरपोर्ट पे हमें कोई बंदे मिले थे जो हम महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के थे हम भी अहमदनगर जिले में से थे तो वो उन्होंने वीडियो देख के दूसरी जगह गए और हम इधर आ गए चोपड़ा डेरी में उन्होंने हमें कन्वेंस करने का प्रयत्न किया कि वहाँ कम है चलो वहाँ चलो वहाँ चलो यहाँ चलो, वाँग चलो। लेकिन वहाँ जाने के बाद दो दिन बाद उनका ही फोन आना चालू हो गया हमको उनकी पांच गाय भी कम्प्लीट नहीं, भी। भी नहीं हुई है और गाड़ी भी लोड नहीं कर सकती तो उनका मतलब 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 परसेंटेज का जो गाय का रेट है जो उन्हें बताया गया था उस हिसाब से उनको गाय नहीं मिल रही थी वो गाय भी नहीं खरीद सके और पांच ही गाय लेके चार दिन घूम रहे थे इधर उधर क्या करे क्या कहने करे अब पांच गाय की गाड़ी भी लोड करना नहीं आ रहा था उनको और ज्यादा गाड़ी मतलब गाय भी नहीं ले सकते थे क्योंकि अब उनको महंगी गाय दिखने लगी जो जिसने भी लाया था वो उनको वैसा दिख रहा था दिखा रहा था तो दो चार दिन उनका भी हमें कॉन्टेक्ट हुआ अभी तीन तीन दिन भी... दिन, दिन आपके हुए आप पे चौथा दिन आज लोडिंग हो रही है आपकी आज हम लोग तीन दिन में आए यहाँ पे उसके बाद तीन दिन सर के फॉर्मर जब आए तो हमने सुबह ग्यारह बारह बजे के पहले पहले टाइम में उसी छह गायक्ट कर दी इनके फार्म हाउस में कब से कब तो उस वक्त एक तीसी गाय थी उसमें से हम लोगों ने गाय ले ली तो दूसरी बात आपसे भी अनुरोध है जो फार्मर्स वीडियो देखते हैं ना कि मैं वीडियो में कभी भी रेट गलत नहीं बोलूंगा अगर वो अस्सी हजार की गाय है तो वो अस्सी हजार की होगी क्योंकि ये फार्मर्स जो हमारे साथ ग्रुप पूरा बैठा है इनके सबके अपने अपना बजट था वो भाई साहब उन्होंने साठ पैंसठ हजार की रेंज में भी गाय ली है इन्होंने एक लाख से ऊपर की रेंज की भी गायें ली इन्होंने सवा लाख की रेंज में भी गायें ली है और इन्होंने नब्बे नब्बे हज़ार की रेंज में भी गायें ली है उन्होंने ली है अस्सी नब्बे पचास पिचासी सब रेंज की गायें ली है तो गाय की लेने वाले को क्वालिटी का पता होता है अभी इनकी मैं बात करूँ जो ये क्वालिटी मांगते थे आपको बछड़ी चाहिए थी दो दांत सबसे बढ़िया क्वालिटी की वो आपको चीज़ मिली वो नहीं मिली हाँ क्योंकि जितनी भी आपने गायें देखी उसमें लोग रेट क्या बोल रहे थे रोटा, लोग ऐसे बोल रहे थे वो जो अच्छी क्वालिटी की गाय होती है उसका रेट डेढ़ लाख से आगे होता है दो लाख तक दो लाख तक और उसमें मैं आपको एक वेरिएशन बताता हूँ एक फार्मर अच्छा फार्मर जो गाय तैयार करता है ना तकरीबन पहले क्या होता था कि साठ सत्तर हजार में बछड़ी तैयार हो जाती थी पचहत्तर अस्सी हजार में बिक जाती थी जो हाई लेवल ब्रिडेड फार्म की बछड़ी की बात कर रहा हूँ अभी आप अंदाजा ये मत लगाइए कि किसी फार्मर ने बछड़ियाँ बेची हैं गायें बेची हैं तो वो साठ साठ हजार की वीडियो दिखा दोगे आप तो वो गाय होती है जो अठारह बीस लीटर दूध देगी ये जो गाय बात कर रहे हैं फर्स्ट टाइमर पैंतीस चालीस लीटर की बात कर रहे हैं कि जो ब्रीड लेवल पे हाइट कम से कम साढ़े पांच फीट की हो पीठ पुट्ठा हो मतलब करेक्टर्स ऐसे हो जिसमें कोई कमी ना हो सीधी यही बात है ना तो जो फार्मर अच्छी बच्ची तैयार करता है तो एक लाख रुपए तो उसका कम से कम आज के टाइम में खर्चा आता है और फार्मर को ये होता है कि अगर अच्छा सीमन लगा होगा तो अच्छी ब्रीड तैयार हुई है उसकी मदर रिकॉर्ड चालीस से ऊपर चल रही है तो एक गाय एक लोक्टेशन में तीन लाख रुपए का कम से कम दूध डालती है तो अगर तीन लाख का दूध डालेगी बछड़ी फर्स्ट टाइमर में ढाई लाख का मान के चलो तो वो एक लाख में कैसे सेल करेगा पहली बात तो दूसरी बात है चलो कि हम बहुत सर्च कर रहे हैं इनको एक बछड़ी मिली भी एक बछड़ी हमें मिली एक लाख बीस हजार में एक लाख बीस हजार मिली जब इन्होंने एक लाख बीस हजार की ये ले ली तब इनको लग रहा था शायद ये महंगी बछड़ी है उसके बाद हम लोग मार्केट गए मतलब मार्केट मंडी में भी गए मंडी में ये होता है कि पूरा बाजार जो लगा हुआ है जो जो गाय हम किसानों के घर पे सत्तर अस्सी अस्सी हजार की देख के आ रहे हैं वो मंडी में क्या रेट में जा रही है मंडी में वो लाख से आगे चल रही थी और कोई भी एक लाख एक लाख बीस तीस से कम रेट नहीं कर रहा कोई क्रॉस गाय का छोटी गाय का भी और जबकि हम जो मंडी में भी ऐसी गाय नहीं थी वो हमने एक लाख बीस हजार में परचेज करी उस लेवल की गाय और अगर मतलब ये चीज है कि इनको एक चीज का इतना एक्सपीरियंस होता है बाहर घूम के भी फार्म फार्मों में भी हम जाते हैं तो जो डील जो इन्होंने घर पे आपने रेट बोला वही रेट में फाइनल किया हमने जो 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 घर घर पे आपने, घर पे आपने आपने स्टार्टिंग में भी गाय गाय पहले दिन परचेस के साथ हुँ। गाए, हुँ। वो जो बोले, उस रेट में हमने खरीद ली और जो और जो आपको पसंद था रेट जो जिस रेट में खरीदना चाहता था वही रेट मिला उनको वही रेट मिला प्लस दूसरी बात जो भी आपने गाय ली है सब दांत सड़ सब चेक करके लिए सब चेक करके लिए और जो भी सौदा हम करते थे उसका सबसे पहले सौदा करने से पहले ही उसके दांत वात चेक करते थे सबसे पहले सब कुछ उसका चेक करते थे फिर सौदा करके में हमके पूछ कर सौदा करते थे और कोई भी गाय आपको ऐसा हो कि दो हजार भी हमने आपसे पूछे बिना ज्यादा डाला हो नहीं डाला कि सिर्फ सौदा बनाने के लिए ये नहीं कि आपको पांच हजार दस हजार महंगी लेके दो हम लोग अगर दो सौ किलोमीटर भी दोपहर के टाइम घूमे पूरे दिन में चार किलोमीटर भी अपडाउन हमारा हुआ है तो उसमें अगर दो गाय भी हम लेके आए हैं तो इनकी पसंद की लेके आए नई भी मिली तो भी हमने ये नहीं बोला कि हमारा तीन हजार चार हजार का डीजल लग गया है आप ले लो कर लो जो इनके रेट में आ रही है जो इनको क्योंकि इनको चीज महंगी नहीं जानी चाहिए पंद्रह हजार रुपये एक एनिमल फार्मर खर्चा करके लेता है खर्चा माने कि एक गाड़ी का खर्चा बारह तेरह हजार रुपया ट्रक का एक एनिमल के ऊपर फिर लेबर जो केयर टेकर जाता है पंद्रह हजार वो लेता है एक गाड़ी में जाने का तो मतलब समझो कि पंद्रह हजार एक एनिमल के ऊपर खर्चा है तो ये लोग वो भी सोचते हैं कि इनको खर्चा भी निकालना है ब्रीड भी अच्छी लेनी है प्लस अभी इनके साथ वाले जो एक आ, अर्जुन जी थे वो तो बोल रहे हैं एक गाड़ी हमको और माल लेके दो दिन के बाद दो पंद्रह दिन के बाद उनको एक गाड़ी मतलब कम से कम नौ दस गाय और चाहिए प्लस क्योंकि उनको पता है कि हमारा सिलेक्शन जो है आ, उसके बारे में भी एक चीज बातचीत करना चाहते हैं हम परसों रात को एक गाय के देखने के लिए गए थे आप लोगों ने डन भी कर दिया था कि इसको एटी टू थाउजेंड में डन करो

लेने का फार्मर को गलत चीज लेके देने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता गाय अच्छी जा रही है इन केस इन फ्यूचर इनको जरूरत पड़ेगी कोई गाय में देखो गाय सांस वाली चीज है कोई भी दिक्कत किसी भी गाय में कभी भी आ सकती है हमारे भी आती है ये लोग अभी भी मार्केट वगैरह घूम रहे थे बाहर शॉपिंग कर रहे थे इन डॉक्टर अभी आया मेरे फार्म पे विजिट किया इनकी गाय कल बच्चा दी थी कल बच्चा दिया आपको बिना पूछे मैंने कैल्शियम की बोतल लगवाई उसको कि रास्ते में टेंशन ना हो गाय को जबकि वो गाय मेरे यहाँ से बिक चुकी थी क्योंकि तो अभी कल वो गाय आपकी डिलीवरी हुई उसको दवाई दिया जे डलवाया मतलब प्रॉपर उसका, उसका ट्रीटमेंट किया और उस चीज का कोई खर्चा लिया नहीं क्योंकि तो जब तक गाय हमारे फार्म में है या जब तक आप लोग हमारे फार्म में है तो गाय का खाने पीने रहने मेडिकल ये सब खर्चा हमारा होता है क्योंकि यहाँ पे गाय अगर आप लोग नहीं भी लेते तो भी मेरे पास खड़ी होती तो भी मैं केयर करता तो ये जरूरी नहीं कि बिक गई है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो इसको खाना पीना नहीं देना इसको अच्छे से नहीं रखना आपकी गाय सर्दी में थी मैंने शीट लगा दी कि इसको हवा ठंडी नहीं लगनी चाहिए क्योंकि तो गाय को आपकी है या हमारी है वो बिक कर जाएगी उसका रिजल्ट अच्छा आएगा तो उसका रिस्पांस मेरे को अच्छा मिलेगा सही बात तो ये चीज़ मन में होनी चाहिए कोई भी फार्मर्स जो महाराष्ट्र के हैं जो पंजाब के भी हैं ये चीज़ मन में रख के फार्मर को कामयाब करना है हमने ये चीज़ सोच के गाय दीजिए ना उसको क्योंकि अगर हो सकता है इन लोगों को परख कम है अगर हमें परख ज़्यादा है तो हम अच्छी गायें जो ये ले रहे हैं वो लेके देंगे बजट में बना के देंगे दूसरी बात है अगर इनको कोई गाय नहीं पसंद आ रही तो वो जबरदस्ती नहीं है इनको लेके देना और रेट भी इनका बजट होना चाहिए अगर बजट भी फिट है तो सबसे मेन बात है कि वो थन दांत में फिट होनी चाहिए इनके जो चीज ये मांगते हैं क्योंकि तो ये फार्मर अगर संतुष्ट नहीं है यहाँ आकर इतनी दूर आकर दो किलोमीटर से गाय परचेज करना कोई आसान काम नहीं है इनका चार पाँच दिन आने जाने में और रहने खाने में पीछे का इनकी ये गाय बीमार हो गई तो डॉक्टर कॉल कर रहा है घर वाले भी परेशान होते हैं कि इतना टाइम आप छोड़ के जा रहे हो तो पीछे केयर करना तो बहुत जरूरी टाइम होता है इनका इनका टाइम भी वेस्ट ना हो तो फार्मर्स सही जगह सही टाइम पे वहीं से गाय परचेज करो जैसी क्वालिटी आप मांगते हो सीधे कॉन्टेक्ट करो उस बंदे से हमसे भी कॉन्टैक्ट करो कि कितने रेट में कैसी गाय मिल जाएगी तो हम सीधे इनको भी बोलते हैं भाई साठ से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक की गाय मिलेगी हम ये नहीं है कि साठ वाली डेढ़ लाख में दे देंगे ना डेढ़ लाख वाली साठ में देंगे अभी साठ पैंसठ हजार में क्या होता है कि बीस बाईस लीटर नॉर्मल देने वाली क्रॉस ब्रिड में वही आपने ब्रिड लेनी है तो कम से कम अस्सी हजार पिचासी हजार में दो दांत चार दांत बछिया टाइप मिलेगी अगर आप गाय में जाते हो दूसरे तीसरे बेहतर में सत्तर पचहत्तर में गाय बढ़िया मिल जाएगी जो पच्चीस से ऊपर जाएगी ठीक बात है इसी रेट में आपको ऐसी गाय मिलेगी और फर्स्ट टाइमर बछड़ी अगर किसी ने भी लेनी है फर्स्ट टाइमर बछड़ी का मतलब कि 25 लीटर से ऊपर देने वाली दो दांत चार दांत टाइट ऑर्डर क्वालिटी की अच्छी तो जो महाराष्ट्र के फार्मर ब्रीड वाली पसंद करते हैं वो कम से कम अस्सी हजार से एक लाख के बजट में बैठती है पर हम जितना हो सके वो मूवेबल करते हैं कि अस्सी से पिचासी में मिल जाए आपको पंद्रह खर्चा लग जाए तो लाख रुपए में आपको घर तक पहुंच जाए तो ये हमारे कुछ बेसिक सवाल थे और अभी इनकी जो इनको इन्होंने परचेज करी है वो नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर शेयर करेंगे कि कैसी इन्होंने गायचेज करी और क्या रेट में परचेज करी है पूरा वीडियो आप देखिए क्योंकि आपको पता चल जाएगा कौन सी कौन सी गायें किस रेट में आपको मिलेंगी तो उससे आप अपना अंदाजा लगा सकते हो कि आपको कैसी परचेज करनी है और वो वीडियो देख के आप यहाँ से परचेज कर सकते हो तो वीडियो देखने के लिए सभी फार्मर्स का बहुत बहुत धन्यवाद